ऐसी ही एक और शीट है जो और वैरायटी कवर करेगी और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अभी शीट नंबर 31 जो लास्ट टाइम मिली थी, शीट नंबर 31 जो हम कर रहे थे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो हमने लास्ट टाइम की थी, उसी को प्लीज ओपन करना फिर से। तो ये हमने कर लिया था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जो कि मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट है। पे जितने स्टार लगाने हैं लगा लो, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन तो ये पक्का आना है हर स्कूल में। ये स्कूल लेवल है, अब ये स्कूल के ऊपर आते हैं। स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आता है टू प्रूव टू शो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, ये प्रूव करने को आता है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी आ सकती है, बट इसकी प्रॉबिलिटी ज्यादा है, पर दोनों भी कई बार आ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप डिफरेंस फील कर रहे होंगे कि कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ के ऊपर बेस्ड है। दोनों का पैटर्न एकदम डिफरेंट है। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि एक स्टूडेंट के वैसे तो 95% स्टेट टॉपर है, लेकिन कॉम्पिटिशन के अंदर उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। ऐसा बहुत होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो इसको तो लिख सकता है, इसको याद करके, लेकिन जब उसको कहा जाता है कि दो मंकी ऊपर चढ़ रहे हैं और बता टेंशन कितनी है मैक्सिमम, फिर उसको समझ नहीं आता कि टेंशन कैसे निकलेगी। तो डिफरेंस है दोनों के लेवल में भी, और वो सिर्फ एप्लीकेशन में कि कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं आता। इसमें लोग नहीं आता आता है, चलो जी थ्योरी लिखनी है उसमें लिखी जाते हैं। देखो फिर स्टेट एंड प्रूफ में या इसमें प्रूफ में, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन रियल लॉ का मतलब यह है कि इट कंटेन्स फर्स्ट लॉ एंड इट कंटेन्स थर्ड लॉ। तो सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को डराइव कर सकते हैं, सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ को भी डराइव कर सकते हैं। इसलिए सेकेंड लॉ इज द यूनिवर्सल लॉ या फिर रियल लॉ। तो जब ये प्रूव करने को आएगा तो इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले प्रूव करना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, फिर आपने प्रूव करना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। तो माना जाएगा कि दोनों के दोनों सेकेंड लॉ के अंदर से प्रूव हो सकते हैं, सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। तो पहले केस नंबर ऐसे ही लिखना है अपने पेपर के अंदर भी जाके, केस नंबर 1 फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। तो इसके लिए सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर मैं एफ को जीरो कर देता हूं तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो ए को क्या होना पड़ेगा, जीरो। ए जीरो के दो मतलब हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ए जीरो का मतलब आइदर अ बॉडी इज एट रेस्ट और इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड तो either body is at rest or is moving with a constant velocity, this is Newton's first law. कोई डाउट इसमें? तो हो गया प्रूफ। नेक्स्ट है टू प्रूफ थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसको सीखने के लिए आपको एक डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, उस वर्ड का नाम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। सुना हुआ है किसी ने आइसोलेटेड सिस्टम? सुना हुआ है, क्या होता है? जिस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। कई स्कूल में करवाया जाता है, बस इतना ही पता होता है, इससे ऊपर नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं।
अच्छा लगाया हुआ ये वाला, अच्छा मेरा ही लेक्चर सुन के बता रहे हैं, फिर ठीक है ठीक। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपको कैसे समझना, ध्यान से समझना। जैसे सपोज करो एक बुलेट चलती है गन में से, जब गोली चलती है तो गन कहाँ आती है, पीछे। जितनी तेजी से गोली चलती है उतनी तेजी से गन पीछे, यही रूल है, कोई डाउट इसमें? अच्छा सेकंड एग्जांपल सुनो, गोली अपने आप क्यों, गोली अपने ट्रिगर दबा के आपने छोड़ दिया, ट्रिगर दबा के उसमें एनर्जी होती है, स्प्रिंग फोल्ड होता है, स्प्रिंग खुल जाता है, गोली आगे जाके स्प्रिंग और पीछे, मतलब हम बोलते हैं कि उस बुलेट ने एक्शन लगाया तो बदले में गन को क्या मिला, रिएक्शन। अच्छा सेकंड इमेजिन करो सिचुएशन, गोली चला रहा हूं, मैंने गोली को निकाला, मर्जी से फेंक दिया, गोली ऐसे चलती है, मैं लगा रहा हूं फोर्स और गन को हाथ में पकड़ा हुआ है, हिलने भी नहीं दिया, आपको फिर ये क्या बात बनी, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट कैसे होगा? हाँ नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, मेरी मर्जी है। अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, गन को जोर के पीछे फेंक दिया, अब इतनी जोर की भी तो गन जा भी नहीं रही थी, तो इसमें मेरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो यहां पर हम नहीं बोल सकते एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड, ये तो मेरी मर्जी चल रही है, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट तब बोलेंगे जब मेरी इंटरफेरेंस में नहीं होगी और मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, बस मैंने गोली चलाई। अब उनका अपना मैकेनिज्म है, गोली जितनी तेजी से चलेगी गन उतनी तेजी से पीछे भी आएगी, तो नेचुरल प्रोसेस है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। पर अगर मैंने फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी दोनों के ऊपर, वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, दो बॉल्स आ रही हैं, आपने फेंक दिया एक बार, बॉल्स अपने आप आ रही हैं, टक्कर होती है और फिर वापस चली जाती है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इमेजिन करो एक सिस्टम, बॉल्स को हाथ में पकड़ा, टक्कर हुई, मैंने करवाई, मेरी मर्जी है नहीं फेंकता, अच्छा चलो फेंक देता हूँ, एक को फेंक देता हूँ दूसरे को नहीं फेंकता, वही क्या बात बनी, ये कैसी बात बनी? पहले केस में एक्शन रिएक्शन, जितनी तेजी से बॉल्स आएंगी उतनी तेजी से वापस जाएंगी, और दूसरे केस में मेरी मर्जी है क्योंकि मैं क्या लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स। तो जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसमें आप ये नहीं कह पा रहे कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, पर जिनमें आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, अपने आप ही नेचर के अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम की डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में होनी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट की ये है, उसको दिखता नहीं है कि कौन सा सिस्टम आइसोलेटेड है और कौन सा आइसोलेटेड नहीं है। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, आपको याद रहेंगे कि आइसोलेटेड है, पर ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल होंगे जो दिखेंगे भी नहीं आपको आइसोलेटेड है कि नहीं है। तो उसकी लिस्ट मैंने तैयार की है कि जो प्लस वन प्लस टू में आइसोलेटेड सिस्टम यूज होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको लिस्ट मैं करवा दूंगा, बस उस लिस्ट में से ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आइसोलेटेड है और इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स जीरो मानी जाती है, ठीक, नहीं तो आप इतना सोच नहीं पाओगे। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है, इतने डेफिनेशन यूज करते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी एक्सटर्नल फोर्स नेट क्या आती है, जीरो, क्लियर। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होती है, डीपी बाय डीटी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पी इज अ कांस्टेंट, तो पी कांस्टेंट है। तो याद रखना दो चीजें आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, इसको नेक्स्ट टाइम करना है हमने कवर, वैसे अभी डेफिनेशन याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी एक्सटर्नल फोर्स जीरो, और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। बस दो चीजें याद रखनी है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं इसके ऊपर, आपने छोटी क्लास में सुना होगा, नाइन्थ क्लास में स्पेशली, जब एक गोली चलती है गन पीछे आती है तो M1 V1 is equal to M2 V2, ऐसा कुछ फॉर्मूला सुना होगा, M1 V1 M2 V2। तो एक्चुअल में वो हो क्या रहा है, इसको एक बार बताता हूं ये कैसे होता है। जैसे सपोज करो कि जब एक बुलेट चलती है तो बुलेट का मोमेंटम M1 V1 और गन का मोमेंटम M2 V2, तो ये पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम आ गया, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया कि नेट मोमेंटम एक सिस्टम का बुलेट एंड गन का मिला के कितना, M1 V1 प्लस M2 V2। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो नेट क्या आ जाएगी, फोर्स। पर अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है
गोली का चलना अगर आइसोलेटेड सिस्टम मानना चाहता है तो मुझे फोर्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो जीरो करना पड़ेगा। जीरो का मतलब ये टर्म, ये जो टर्म है या तो ये जीरो होगी या फिर ये क्या हो सकती है कांस्टेंट। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये ना जीरो होती है इस केस में, कांस्टेंट नहीं होती। बात एक ही है क्योंकि जीरो करोगे या कांस्टेंट करोगे तो डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली जीरो ही आएगी। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अगर गन का मोमेंटम या अगर बुलेट का मोमेंटम आगे है तो गन का मोमेंटम पीछे है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है। तो एक्चुअल में ये चीजें वहां से लिंक्ड है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने नेक्स्ट टाइम करना है, आज नहीं करना। वैसे ही बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए कि अगला लेक्चर यहां से शुरू होगा और मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल में मैथमेटिकली लगा के दिखाऊंगा कि कंजर्वेशन मोमेंटम होता क्या है या आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना नहीं चाहिए, बस दो डेफिनेशन चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें नेट फोर्स क्या होगी एक्सटर्नल जीरो एंड मोमेंटम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट। स्टार्ट करते हैं। सपोज दो बॉल्स मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, आप चाहो तो ऑपोजिट भी कर सकते हो, उनकी कोलिजन करवानी है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको मन में मानना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा इससे, तभी इसे टक्कर मारेगा, नहीं तो इसको ऑपोजिट कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपने ये शो करना है कि इनकी क्या हो गई कोलिजन। जब इनकी कोलिजन हुई तो एम वन ने एम टू के ऊपर फोर्स लगाई ड्यूरिंग कोलिजन एफ टू वन वैक्टर। टू वन वैक्टर का मतलब टू एम टू बॉल पे फोर्स लगी, किसने लगाई एम वन ने, और बदले में रिएक्शन मिला एफ वन टू। एम वन के ऊपर फोर्स लगी, वन के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई टू ने लगाई। तो दो वैक्टर्स लग रहे हैं इसमें, एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, और मुझे प्रूव करना है एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। आपने लिखना यहीं से स्टार्ट, ऐसे ही करना है कंसिडर आइसोलेटेड। अगर नहीं लिखा गलत हो जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मान लो पी वन वैक्टर इज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल एम वन, पी टू वैक्टर इज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल एम टू, एंड एफ वन टू का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय एम वन ड्यू टू एम टू, एफ टू वन का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय एम टू ड्यू टू एम वन। और क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ इज डी पी बाई डी टी, तो पहली बॉल के लिए या दूसरी बॉल के लिए एफ टू वन क्या होगा, एफ टू वन वैक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी टू वैक्टर। तो इसका मोमेंटम कितना है मान लो पी टू, और फर्स्ट बॉल का मोमेंटम कितना है पी वन, तो ये एफ वन टू वैक्टर डी बाई डी टी ऑफ पी वन वैक्टर। तो दोनों की फोर्सेज मोमेंटम की फॉर्म में निकाल ली, दोनों को एड कर दो, एफ वन टू प्लस एफ टू वन इज इक्वल टू डी बाई डी टी कॉमन आ गया, पी वन वैक्टर प्लस पी टू वैक्टर। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर की वैल्यू आ गई आगे। बट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, अभी अभी क्या डिस्कस किया हमने, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज टोटल मोमेंटम, एंड टोटल मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। तो अगर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी जीरो। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा जीरो, इसका मतलब F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। कोई डाउट इसमें? तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट। इसलिए बोला जा सकता है कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। हो जाएगा ये प्रूफ? तो ऐसे लिख के आना है अपने स्टेप बाय स्टेप। कोई डाउट इसमें? ठीक। हाँ नहीं लेना के घोड़ों को घास दाना देने जैसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था।